गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज स्टैंडर्ड 5th एंड आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश ग्रामर। इन इंग्लिश ग्रामर इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड फ्रेजेस। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड न्यू कंसेप्ट। गेस द कंसेप्ट। समटाइम्स यू कॉल समवन, sometimes you name something, then we can say that on the earth everything has names. When we indicate anything, any person, any animal, what we indicate, we indicates its name. So, in English grammar, name is refers as another name, and that is noun. So, noun is our today's topic. You have English text grammar book, grammar and more. So we have completed first lesson. It was based on sentences. Now chapter number 2 is nouns. Name of the chapter is nouns. Nouns, this is plural form of nouns. Noun means naming word. What is noun? Noun is naming word. Naming word. Noun is naming word. What does it name? It names. It names any person. Any person, animal, any person, animal, place or thing. तो बच्चों, noun मतलब नाम। हर चीज अपने नाम से जानी जाती है, पर क्या आपने सोचा है कि ये जो नाम होते हैं इनके भी प्रकार होते हैं? तो हाँ, नाम के प्रकार होते हैं। अब क्यों होते हैं उसको समझने के पहले हमें ये जो मीनिंग है नाउन का इसे समझना है। नाउन इज नेमिंग वर्ड, मतलब ये हमें किसी के नाम की जानकारी देता है। अब किसकी? एनी पर्सन, एनी एनिमल, एनी प्लेस, एनी थिंग। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी या कोई भी जगह। प्लेस मीन्स स्थान। तो इस तरह से किसी भी स्थान का नाम होता है। आई एम गोइंग टू द मार्केट। मार्केट इज noun. He is a boy. Boy is also noun. तो इस तरह से ये noun की definition आपके book में भी दी हुई है, आपको लिख लेना है। इसमें हम एक तो examples देख सकते हैं। हमें examples ले सकते हैं, जैसे this is my teacher. This is my teacher. अब ये जो sentence है इसमें noun कौन सा है? तो this is my teacher. तो teacher इस शब्द से किसी व्यक्ति का बोध होता है। तो teacher क्या हुआ? Noun हुआ। बिल्कुल इसी तरह हम दूसरा example ले सकते हैं। A river
फ्लोर्स बिसाइड द फार्म, बिसाइड द फार्म। अब यहां फार्म जो है आप यहां पे दो दो नाम हमें दिखाई दे, रिवर यानी एक नदी, फार्म यानी खेत। नदी जो है बहती है फ्लोज बिसाइड द फार्म, तो यहां पर हमें दो चीजों का बोध हो रहा है, एक तो नदी का और दूसरा फार्म। तो नेचर में जो चीजें हैं उनके भी अपने अपने नाम हैं, तो उन नामों को हम बोलेंगे इंग्लिश में नाउंस। इस तरह से ये जो नाम है इसे हम समझते हैं। इसके बाद कंसेप्ट आता है कि ये जो हमने नाम लिए ये कैसे नाम, तो इसीलिए नाउंस के दो टाइप्स होते हैं, मेनली कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, वैसे तो नाउन्स के और भी टाइप्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, बट हमें अकॉर्डिंग टू बुक्स जाना है, इसीलिए हम एक एक कंसेप्ट को बारी बारी से पढ़ेंगे और उसे समझकर हमें फिर जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज दी गई है उसे सॉल्व करना है। इसीलिए हम एक कंसेप्ट समझेंगे उस पर आधारित एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो नाउन में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन कराया हुआ है कॉमन नाउन का, तो कॉमन यानी एनी, कॉमन सामान्य किसी का भी हो सकता है। ये नाम जन्म से प्राप्त होता है, किसी चीज का जन्म होता है। मान लो घर में कोई बच्चा हुआ तो वो लड़का है या लड़की है, हम उसके जातिवाचक दृष्टिकोण से उसको नाम दे देते, बॉय गर्ल। तो ये जो बॉय और गर्ल है, काऊ है बुल है, ये जो नाम होते हैं ये कॉमन नाम होते हैं, किसी का भी होता है जनरली। फिर क्या होता है, जब इस जन्म से प्राप्त नाम वाली चीज को या व्यक्ति को हम अपनी ओर से एक नाम देते हैं, ताकि सब बॉयज अगर है तो हम सभी को तो नहीं बुला सकते, बॉयज इधर आओ, बॉय इधर आओ, तो सारे बॉयज इधर आ जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, सभी बॉयज को एक एक नाम दे दिया जाए, तो जो दिया गया नाम है हमारी ओर से वो होता है प्रॉपर नाउन, जो एक पर्टिकुलर होता है, उसकी अपनी एक विशिष्टता होती है, ऐसा कोई दूसरा नहीं होता। राम इज अ बॉय, बॉय तो बहुत है बट सारे बॉयज की बात नहीं हो रही, राम। तो यहां जो राम ये शब्द है ये प्रॉपर नाउन हुआ, इट इज गिवन टू कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन का मतलब हम समझने के लिए इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि कॉमन नाउन को जो हम नाम देते हैं वो प्रॉपर नाउन। तो बच्चों आपको समझ आया होगा, कॉमन नाउन में यदि हम एग्जांपल लेते हैं बॉय, तो इसका यदि जेंडर देखें तो मस्कुलिन जेंडर है, इसलिए इसको नाम हम राम लिखेंगे। पर यदि कॉमन गर्ल बोले तो कोई भी गर्ल, बॉय बोले तो कोई भी बॉय, पर गर्ल को यदि नाम मिल गया
कि रीना, तो रीना ये पर्टिकुलर वह लड़की है, उसका जब नाम लिया जाएगा तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा अर्थ होगा। उसके बाद यदि हम किसी रिवर का नाम लेते हैं, रिवर, और इसमें रिवर तो कई सारी है, पर इसमें हम यदि गंगा लेते हैं तो ये पर्टिकुलर नाम लेने पर गंगा का ही हमें बोध होगा, जमुना का नहीं होगा, कावेरी का नहीं होगा, गोदावरी का नहीं होगा। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर नेम्स है ये प्रॉपर नाउन होंगे, और ये जो एनी लगा हुआ है इसलिए किसी का भी। पर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जब हमने कॉमन नाउन लिखा तो स्टार्टिंग लेटर स्मॉल है, लेकिन जब हमने प्रॉपर नाउन लिखा तो स्टार्टिंग लेटर कैपिटल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो पहला लेटर स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होगा। तो बच्चों आपको ये समझ आया होगा नाउन्स, इसके ऊपर बेस आपको बुक में एक्सरसाइज दी है, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज ए, सर्कल का करेक्ट नाउन इन द ब्रैकेट। मुझे लगता है कि आपको ये समझ आया है और इसलिए ये होमवर्क में रहेगा, आप लोग इसे सॉल्व करना। एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी, एक्सरसाइज डी, यहाँ पर आप पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, उनके सामने आप एनी लगाकर यदि तुमको बोर होता है तो आप उसे कॉमन नाउन में रखना। यदि उस नाम का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल है तो वो प्रॉपर नाउन रहेगा। इस तरह से ये एबीसीडी एक्सरसाइज, ईएफ एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। उसके बाद हम आगे में एक नया टॉपिक है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने बताया था कि ये एक टाइप होता है नाउन का, कलेक्टिव में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। तो एडिंग है कलेक्टिव नाउन, ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 21 पे दिया हुआ है, कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन्स यानी क्या? कलेक्टिव वर्ड कलेक्ट से बना है, कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, और कलेक्टिव ये वर्ब नहीं है, कलेक्ट वर्ब है। कलेक्टिव नाउन्स, नाउन्स एक नाम हो गया, कलेक्टिव क्या होगा, क्योंकि ये नाउन के बारे में ज्यादा जानकारी देता है, कलेक्टिव तो एडजेक्टिव, तो कलेक्टिव एक एडजेक्टिव है, कलेक्ट एक वर्ब है। तो बच्चों कलेक्टिव नाउन यानी क्या? तो इसमें कलेक्शन होता है, किन चीजों का कलेक्शन होगा? तो हमने नाउन्स में देखे क्या क्या देखा था हमने, कि नाउन किन किन के हो सकते हैं, पर्सन के, प्लेस के, एनिमल के और थिंग्स, तो इन्हीं का कलेक्शन। तो जब हम किसी कलेक्शन की बात कर रहे होते हैं और उसको एक नाम देते हैं तो वो जो पर्टिकुलर गिवन नेम है वो कलेक्टिव नाउन होता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो ये एक तरह का क्या है, इट्स अ, इट इज अ नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, इसमें सिंगल नाउन नहीं रहेगा, पर्सन्स,
प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, या फिर वो कोई वस्तु हो सकती है, नेचुरल वस्तु हो सकती है या मैनमेड हो सकती है। पर्सन्स नेचुरल है, प्लेसेस मैनमेड है, नेचुरल भी है, एनिमल्स नेचुरल है। तो इन चीजों का जो ग्रुप होगा वो कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, पर्सन में, प्लेसेस में, एनिमल्स में। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे हर्ड लिखा, हर्ड यानी क्या होता है, तो एक तरह से ग्रुप ऑफ एनिमल है। हर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ एनिमल। तो हर्ड ऑफ एलिफेंट, इसमें एलिफेंट का एक समूह हो गया, उसे क्या कहेंगे? हर्ड कहेंगे। फिर यहां पर हम स्टाफ लिख सकते हैं, स्कूल में भी स्टाफ होता है, तो स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका जो स्टाफ होता है, स्टाफ होता है, वो एक तरह का कलेक्शन है पर्सन्स का। उसके बाद बंच ऑफ पेंसिल्स लिख सकते हो, बंच ऑफ और भी दूसरी चीजों में बंच लगाया जा सकता है, जैसे बंच ऑफ यहां पर दिया है पेंसिल्स। बेड ऑफ फ्लावर्स, ये जो एग्जाम्पल हमने लिए, इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे स्कूल ऑफ फीस, क्राउड ऑफ पीपल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्लास ऑफ एड्स। सो इस तरह से ये जो कलेक्टिव नाउन है हम आने वाली एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। इस पर डिपेंडेड यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, जी एच आई। तो बच्चों, ये कलेक्टिव नाउन्स और कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन, इस पर ये जो एक्सरसाइज दी है आप लोगों को वो कंप्लीट करना है। उसके बाद हम उसके आगे बढ़ेंगे कि जब हम नाउन की बात करते हैं तो कई बार एक सिंगल नाउन की बात करते हैं, कई बार एक से ज्यादा नाउन्स होते हैं, तो या एक ही व्यक्ति, जैसे नाउन लिया काऊ, तो कई बार काऊ का ग्रुप है तो फिर काऊस बोलेंगे एक से ज्यादा रहने पर, मैन है मेन हो जाता है, जैसे बॉय है बॉयज हो जाता है। तो सिंगुलर और फिर प्लूरल, ये दो तरह के टाइप्स होते हैं। तो नंबर ऑफ नाउन्स, इस तरह से नया टॉपिक रहेगा। फिर जेंडर, मस्कुलिन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है अंग्रेजी में, तीसरा और चौथा और भी टाइप्स होता है, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर उसी को कहेंगे। तो इस तरह से ये जो लेसन है आपको समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट लेसन में हम नंबर ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे। तो
एक्सरसाइज आप होमवर्क में कंप्लीट करना है, कंप्लीट द एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन नाउन्स, ये होमवर्क है। अब टू एक्सरसाइज आई ओके।